हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष कुमार, डिजिटल के स्टार में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हमारा 4 मॉड्यूल्स कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि ये सारे मॉड्यूल्स आप लोग अच्छा से कवर किए होंगे। फ्रेंड्स, आज से हम न्यू मॉड्यूल से स्टार्ट करेंगे, गूगल माय बिजनेस। फ्रेंड्स, इस मॉड्यूल्स में मैं आपको बताऊँगा कि आप अपने बिजनेस को गूगल पे ऑनलाइन लिस्टिंग कैसे करेंगे। एंड यदि फ्रेंड्स ये मॉड्यूल्स आप लोग अच्छा से कम्प्लीट करेंगे तो आप अपने आसपास के एक दो क्लाइंट्स को उसका बिजनेस गूगल पे लिस्ट करेंगे तो आप शुरू से ही अभी से ही पैसे भी कमाना स्टार्ट कर देंगे। एंड आप गूगल के द्वारा दिया गया फ्री वेबसाइट कैसे बनाएंगे, ये सारा कंप्लीट नॉलेज मैं इस मॉड्यूल्स में दूंगा, तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, बिजनेस लिस्टिंग के लिए सबसे पहले हम न्यू टैब में जाएंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे गूगल माय बिजनेस। गूगल माय बिजनेस ये टाइप करके आपको एंटर करना है। इसको एंटर करने के बाद फ्रेंड्स, आप यहाँ नीचे जाइए और यहाँ पे देखिए www.google.com गूगल माय बिजनेस, इस लिंक पे क्लिक करना है। फ्रेंड, उस लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको ये पेज ओपन होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बता रहा है गूगल माय बिजनेस, एंड यहाँ पे देखिए फाइंड एंड मैनेज योर बिजनेस, ये पेज आपको ओपन होगा। और यहाँ पे आप अपने बिजनेस का नेम टाइप कर सकते हैं। एज फॉर एग्जांपल कि जैसे मेरा बिजनेस का नेम है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले आपको अपने शॉप का नाम डालना है। एंड आपके शॉप के रिलेटेड बेस्ट कीवर्ड कौन सा है वो यहाँ पे आपको टाइप करना है। मैंने कीवर्ड्स का फुल वीडियोस बना दिया है, आप यहां से कीवर्ड्स का फुल नॉलेज ले सकते हैं। यहां से कीवर्ड्स का पूरा कंप्लीट मॉड्यूल्स मैंने किया है। आप यहां से जाके और हाई सर्चेस एंड लो कंपटीशन का कीवर्ड्स चूज कीजिए और अपने जीएमबी में यहां पे डालिए। तो यहां पे एक आपको कीवर्ड्स चाहिए जो बेस्ट कीवर्ड होगा आपके शॉप के लिए। आपके शॉप किस कैटेगरी का है? मेरा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी कैटेगरी का है, तो मैं डिजिटल मार्केटिंग कैटेगरी एजेंसी का ही दूंगा, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन इंडिया। ओके फ्रेंड्स, आपको यहां पे एक कीवर्ड्स चूज करना होगा एंड अपने यहां पे आपके शॉप का नाम डालना होगा। आई होप कि ये आप अच्छा से समझ गए। एंड फ्रेंड्स, इस पर क्लिक करने के बाद देखिए, इस पर क्लिक करेंगे एंड ये नेक्स्ट स्टेप पे प्रोसीड हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, आपके बिजनेस का नाम आ गया है डिजिटल के स्टार डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन इंडिया। ओके, आप यहाँ पे देखिए आपका बिजनेस किस कैटेगरी का है, तो मेरा बिजनेस डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी यानी मार्केटिंग कैटेगरी का है, तो यहाँ पे डालेंगे डिजिटल मार्केटिंग का देते हैं। आपका बिजनेस जिस भी कैटेगरी का है वो कैटेगरी आप यहाँ पे चूज कीजिए। तो मेरा मार्केटिंग एजेंसी है तो मैं ये कैटेगरी चूज करूंगा और नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। इस पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, डू यू वांट टू एड अ लोकेशन कस्टमर्स कैन विजिट लाइक अ स्टोर और ऑफिस। फ्रेंड्स, यदि आप नियरेस्ट लोकल कस्टमर के पास पहुंचना चाहते हैं, लोकल कस्टमर गूगल पे सर्च करके आपके स्टोर पे आना चाहता है या स्टोर पे आएगा, तो फ्रेंड्स आप अपना लोकेशन दीजिए आपके स्टोर का। तो यहाँ पे दिस लोकेशन विल शो अप ऑन गूगल मैप्स एंड सर्च व्हेन कस्टमर्स आर लुकिंग फॉर योर बिजनेस। जैसे आप भी, यदि आपको भी किसी बिजनेस का जरूरत होगा तो फ्रेंड्स आप टाइप करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स नियर मी, आप ये टाइप करते हैं, तो जो भी नियरेस्ट डॉक्टर का जो भी क्लिनिक होता है, जो अपना
क्लिनिक को गूगल पे लिस्ट किया रहता है वो यहाँ पे शो होता है। तो फ्रेंड्स यदि आप भी अपना ये करोगे, अपना लोकल एरिया का लोकेशन दोगे, तो आपका भी वैसे ही शो होगा जैसे ये शो हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे यस डालेंगे, यानी जो भी कस्टमर होगा वो हमारे स्टोर को विजिट कर सकेगा। ओके, तो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यस पे डाल के नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो आप आपके स्टोर का क्या लोकेशन है वो यहाँ पे टाइप कीजिए, तो ये इंडिया का है तो इंडिया ही रहने देंगे। एंड आपका स्ट्रीट का एड्रेस क्या है वो आप यहाँ पे डालिए। तो एज फॉर एग्जाम्पल मेरा है थाने मुंबई, थाने, एंड नेक्स्ट एयरलाइन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे और कुछ नया जोड़ सकते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल नियर, नियर प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म नंबर 1, इस पे क्लिक करने के बाद आप सिटी यहाँ पे डालिए, सिटी थाने। सिटी डालने के बाद आप पिन कोड डालिए, ये डालने के बाद आप स्टेट यहाँ पे डालिए, महाराष्ट्र स्टेट है तो मैं महाराष्ट्र टाइप करूँगा। ओके, एंड यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक करूँगा। इस पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पे देखिए, इज योर बिजनेस, क्या आपका ये बिजनेस है, नन ऑफ दीज, वहाँ पे थाने में जो जो बिजनेस इस कैटेगरी का है वो यहाँ पे शो हो रहा है। तो इसमें बता रहा है क्या इज दिस योर बिजनेस, नहीं ये मेरा बिजनेस नहीं है, नन ऑफ दीज इसमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे एंड फ्रेंड्स वेयर आर यू लोकेटेड, आपका बिजनेस कहाँ पे है, आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके ले जाके जहाँ पर भी आपका बिजनेस है, आपका एरिया का लोकेशन है, वहाँ पे इसको पिन को रखिए। ओके, तो जहाँ पर भी आप वहाँ पे ले जाके इस उस पिन को ड्रॉप कीजिए। उस पे क्लिक, इस ये कंप्लीट हो जाने के बाद फ्रेंड्स जहाँ भी आपका लोकेशन है वहाँ पे इसको डाल दीजिए एंड उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ओके, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो रहा है, शो हो रहा है डू यू ऑल्सो सर्व कस्टमर्स आउटसाइड दिस लोकेशन, क्या आप इस लोकेशन से दूसरे लोकेशन में भी अपने कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। यस, आप यदि सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं दूसरे लोकेशन में भी, आप एक गांव में है या एक शहर में, और दूसरे शहर को भी अपना सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, यदि आप कर सकते हैं तो हाँ, नहीं तो नो पे क्लिक कीजिए। तो नो, आई डोंट नो। ओके, या मैं पूरे इंडिया में कर रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, यस पे क्लिक करूँगा। यस पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट क्लिक करूँगा। यहाँ पे फ्रेंड्स हमको बोल रहा है कि एरिया सेलेक्ट करने को, तो मैं इंडिया सेलेक्ट करूँगा। ओके, इंडिया सेलेक्ट करूँगा, मैं पूरे इंडिया में अपना सर्विस देना चाहता हूँ। आपको ये नहीं आएगा, यदि आप नो पे क्लिक करिएगा तो आपको ये स्टेप नहीं आएगा। ओके, तो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे एंड ये उसके बाद डायरेक्ट आपको ये पेज ओपन होगा। इस यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर डालिए, फ़ोन नंबर डालिए ताकि आपके जो गूगल लिस्टिंग करेंगे वहाँ पे आपका ये फ़ोन नंबर शो होगा। ओके, तो यहाँ पे आप टाइप कीजिए अपना फ़ोन नंबर, आपका जो भी फ़ोन नंबर है 7045866933, ये हमारा फ़ोन नंबर है, इंडिया है तो इंडिया में रहने दीजिए। या यदि आपका यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आपका वेबसाइट है तो वेबसाइट डालिएगा तो गूगल पे लिस्टिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे आपका ये वेबसाइट शो होएगा। ओके, एंड आई डोंट नीड अ वेबसाइट, आपको यदि वेबसाइट की ज़रूरत नहीं है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। अगर यहाँ पे क्लिक करिएगा तो गूगल एक फ्री वेबसाइट देता है, गेट अ फ्री वेबसाइट बेस्ड ऑन योर इन्फॉर्मेशन, आप जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उसके बेस पे गूगल एक फ्री वेबसाइट देता है। यदि आप यहाँ पे क्लिक करिएगा तो गूगल वेबसाइट आपको नहीं देगा, अगर आप यहाँ पे क्लिक करिएगा तो गूगल आपको एक फ्री वेबसाइट देगा। ओके, तो आपको ये वेबसाइट तो नहीं है तो इस पे नहीं क्लिक करिए, ये तीन ऑप्शंस है। यदि आपको ये भी वेबसाइट नहीं चाहिए, ये भी वेबसाइट नहीं है तो इस पे क्लिक करिए, नहीं चाहिए तो, यदि आपको गूगल का एक फ्री वेबसाइट चाहिए, ये वेबसाइट नहीं है, और गूगल का फ्री वेबसाइट चाहिए
तो आप इस पे क्लिक करिए। बट मेरे पास वेबसाइट है तो मैं इस पे क्लिक करूंगा। ओके, बट मैं क्या कर रहा हूँ कि अभी आपको सिखा रहा हूँ तो आपके हिसाब से ही सिखाऊंगा। तो मुझे गेट अ फ्री वेबसाइट बेस्ड ऑन योर इन्फॉर्मेशन, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा। मुझे गूगल का एक वेबसाइट चाहिए, तो इस पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे। एंड फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, स्टे इन द नो, वांट अपडेट्स एंड रिकमेंडेशन अप फॉर योर बिजनेस ऑन गूगल, यस। जो भी रिकमेंडेशन होगा अपडेट वो मुझे चाहिए, तो यस यस करके नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, आप अपना यहाँ पे नेम दीजिए। ये क्या बोल रहा है, चूज अ वे टू वेरीफाई। आप जो गूगल पे लिस्ट कर रहे हैं अपने बिजनेस को, तो गूगल क्या करता है, एक कोड भेजता है। ओके, जो कोड आपके इस नाम से आपके दिए गए एड्रेस पे, इस एड्रेस पे आएगा। आप वो कोड यहाँ पे आप कोड डालेंगे, डालेंगे तो ही ये आप जो गूगल पे बिजनेस लिस्ट कर रहे हैं तो वो वेरीफाई हो पाएगा। ओके, तो आपका जो पोस्ट आएगा उस किस नाम से आएगा वो यहाँ पे आप दीजिए। तो मैं अपना नाम देता हूँ, संतोष कुमार। आप पोस्ट कार्ड पे जो भी आपका नाम चाहिए वो नाम आपको यहाँ पे दीजिए, ताकि उसको ढूंढने में आसानी होगा। ओके, 12 डेज लगेगा ये पोस्ट आने में आपके एड्रेस पे, तब तक आपका बिजनेस वेरीफाई नहीं होगा। तो ये आपको इसको मेल कर दीजिए, ये प्रोसेस करके मेल कर दीजिए। फ्रेंड्स ये देखिए, पोस्ट कार्ड इज ऑन द ऑन इट्स वे। पोस्ट कार्ड 12 डेज के बाद आपके घर पे एक कोड लेके आएगा। ओके, इस नाम से आपको एक कोड लेके आएगा। तो कंटिन्यू करिए, कंटिन्यू करने के बाद आप क्या मार्केटिंग एजेंसी में क्या-क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो हम एफिलिएट मार्केटिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, बिजनेस टू बिजनेस करते हैं, ब्रांडिंग करते हैं, कंटेंट मैनेजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग। ओके, एंड और भी आप जोड़ना चाहते हैं तो ईमेल मार्केटिंग, लीड जनरेशन, ऑनलाइन सर्विस। आपका बिजनेस जिस कैटेगरी का होगा वो कैटेगरी यहाँ पे शो हो जाएगा। तो आप यहाँ से अपना कैटेगरी चूज कर लीजिए। ओके, जो भी आपको चूज करना है, जितना चूज करना है आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। ओके, ये करने के बाद फ्रेंड्स आपको नेक्स्ट पे क्लिक, आप और सर्विस जोड़ना चाहते हैं जो भी आपका एक्स्ट्रा सर्विस है तो यहाँ से आप क्लिक करके जोड़ सकते हैं, अदरवाइज यहाँ से स्किप कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आप यहाँ बिजनेस आवर्स दीजिए कि आपका बिजनेस कब से कब तक चलता है, कि सुबह 9 से 5 चलता है या कब चलता है, वो आप यहाँ पे दीजिए। ओपन कब होता है एंड क्लोज कब होता है, तो मैं 24 आवर्स देता हूँ। मुझे आपको सिखाना है इसलिए मैं ये कर लेता हूँ, आप इसको अच्छा से कीजिए। कि 9 AM में होता है तो 9 AM दीजिए। आपको जब भी होता है आप यहाँ पे डाल दीजिए, मैं 24 आवर्स ही दूंगा। आई होप कि फ्रेंड्स आप ये अच्छा से समझ रहे हैं, अच्छा समझिए। एक बार में समझ नहीं आता है तो आप बार बार देखिए इस वीडियो को और समझिए। आप अभी से ही पैसे कमाना स्टार्ट कर देंगे, यदि आप अपने एक दो क्लाइंट्स को करेंगे तो अभी से ही पैसे कमाना स्टार्ट कर देंगे। ओके, एंड फ्रेंड्स ये बिजनेस आवर्स यहाँ पे फिलअप करने के बाद यहाँ पे आप नेक्स्ट करिए। नेक्स्ट करने के बाद क्या आप मैसेज ऐड करना चाहते हैं, कोई भी कस्टमर आपको मैसेज करना चाहते हैं तो क्या वो आप सर्विस देना चाहते हैं अपने गूगल लिस्टिंग पे, तो यस मैं देना चाहता हूँ, तो मैसेज एक्सेप्ट कीजिए, अदरवाइज इसको डिसेबल कर दीजिए। तो यस चाहता हूँ, नेक्स्ट कीजिए। आप फ्रेंड्स आपका बिजनेस के बारे में, आपका जो भी बिजनेस है उस बिजनेस के बारे में आप यहाँ पे टाइप की, फ्रेंड्स आप यहाँ पे 750 कैरेक्टर्स का टाइप कर सकते हैं, आप जो भी टाइप करना चाहते हैं। मैं आपको डेमो के लिए इतना टाइप करके बता दिया। तो आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद नेक्स्ट कीजिए। फ्रेंड्स
फ्रेंड्स उस पर क्लिक करने के बाद ऐड फोटोज फॉर योर बिजनेस, आप अपने बिजनेस के बारे में कौन कौन सा फोटोज डालना चाहते हैं, इमेजेस डालना चाहते हो, इमेजेस आप अच्छा से बना लीजिए। यदि आपने आपको बनाना नहीं आता है, नहीं सीखा है, तो मैंने बनाया है अच्छा से इमेज मार्केटिंग का। देखिए कंप्लीट ट्यूटोरियल ऑफ कैनवा, कैनवा का अच्छा से ट्यूटोरियल बताया हूँ इजी स्टेप्स में, आप यहाँ से जाके सीख सकते हैं और अपने बिजनेस के लिए अच्छा इमेजेस बना सकते हैं। तो आप यहाँ से इमेजेस बना के डाल सकते हैं एंड मैं इसको स्किप कर देता हूँ, मैं अभी कोई भी इमेजेस नहीं डालना चाहता हूँ, तो मैं इसको स्किप कर देता हूँ। या इमेजेस डालता तो वो नेक्स्ट पे क्लिक करता। योर बिजनेस प्रोफाइल इज ऑलमोस्ट रेडी, आपका बिजनेस प्रोफाइल कंप्लीट हो चुका है, बस एक ही चीज़ बाकी है कि आपको यहाँ पे वेरीफाई करना होगा। तो वेरीफाई आप जब ही कर पाएंगे फ्रेंड्स, 12 डेज के बाद आपके एड्रेस पर एक मेल आएगा एंड उसमें वेरीफाई कोड होगा, वो डाल के वेरीफाई कर लीजिएगा। वो भी स्टेप्स में बताऊंगा कि आप कैसे वेरीफाई करेंगे। एंड फ्रेंड्स यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, अब इसको कंटिन्यू करेंगे। वेलकम टू गूगल, माई बिजनेस कंप्लीट हो चुका है, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। फ्रेंड्स गूगल पे बिजनेस लिस्टिंग का जो भी प्रोसेस था वो हम लोगों ने अच्छा से कंप्लीट किया है एंड नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा इस सारे डैशबोर्ड्स के बारे में एंड गूगल जो एक फ्री वेबसाइट्स दिया है उस वेबसाइट्स के बारे में आपको बताऊंगा कि आप वेबसाइट को कैसे एडिट करेंगे एंड अपने GMB को, गूगल माई बिजनेस पेज को कैसे आप SEO करके टॉप पे लाएंगे। तो बने रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय।